नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त एक बहुत अहम मुद्दे पर आपको जनता से बात करवाने और उनकी समस्या को बताने के लिए श्रावस्ती जिले में खड़ा हुआ हूं। पिछली बार जो है यहां से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीतकर राम शिरोमणि वर्मा संसद तक पहुंचे थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर दद्दन मिश्रा संसद तक पहुंचे थे, लेकिन 12 किलोमीटर दूर यहां से भबरी का पुल है और 24 किलोमीटर दूर यहां से कोंडरी घाट का पुल है। इस बीच में मथुरा घाट और ये ककरा घाट पड़ता है। यहां पर ये पुल है जो मानव निर्मित किया जाता है। मैं अगर लोगों से कहूं और विजुअल्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि यह लकड़ी से बनाया गया पुल है। मीडिया ने इसे जब कवर किया तब यहां पर अधिकारियों की आंख तो खुली, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। नेताओं ने तो इनकी सुधी लेनी छोड़ दी है। अगर ये पुल बन जाए तो बलरामपुर और श्रावस्ती की जो दूरी है वो घटकर लगभग आधी से कम रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मथुरा में सड़कों का अभाव है जो तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और यह श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र है जो श्रावस्ती जिले में पड़ता है, वहां पर भी सड़कों का अभाव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलों और सड़कों के ना बनने के कारण यहाँ की जनता परेशान नजर आती है। हजारों की संख्या में लोग जब यहाँ पे पुल क्रॉस करते हैं तो उनकी धुकधुकी लगी रहती है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हताहत ना हो जाए, कहीं किसी की मौत ना हो जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, लेकिन नेताओं ने आज तक इनका संज्ञान नहीं लिया। अब चुनावी माहौल है। 25 तारीख को श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में वोट पड़ेगा। इस समय नामांकन का क्रम चल रहा है। 6 तारीख तक नेता नामांकन कर रहे हैं, लेकिन नामांकन करने वाले नेताओं ने कहां इस गांव वालों की सुध ली और कब इनसे आकर मुलाकात की और इस मुद्दे पर बात की, ये हम जानने की कोशिश करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। हम कुछ ग्रामीणों से बात करके ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन घाटों का मुद्दा क्या है और इन घाटों पर पुल ना बन पाने का कारण क्या है। और जो लोग हमारे साथ हैं वो बहुत बहुत स्पष्टता से अभी कैमरे के पीछे कह रहे थे कि नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। अब आप विजुअल्स के सहारे देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर आ रहा है, ये ट्रैक्टर वाला लगभग अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है इस पुल को क्रॉस कर रहा है। ये लकड़ी से बना मानव निर्मित पुल है और अगर इसको कोई क्रॉस करता है तो वो बेशक अपनी जान को जोखिम में डालता है, क्योंकि नदी बीच में बहुत गहरी है और 20-25 फीट गहरी है। तो ऐसे में धीरे धीरे बेचारा आ रहा है, लेकिन इसकी भी अपनी मजबूरी है। अब हम जनता से बात करेंगे और उस ट्रैक्टर वाले को रोक कर भी उससे बात करेंगे कि क्या मजबूरी है कि उन्हें इस तरह से क्रॉस करना पड़ रहा है। क्या नाम है पंडित जी? आत्माराम पांडे। पांडे जी, कितने साल हो गया पुल नहीं बना? अफसर जी, हमारा जन्म 1953 को हुआ है, तब से आज तक हमने पुल नहीं देखा। लगभग आप 70 साल के? जी जी, आजाद हुए देश को 70 साल, 75 साल हो गए जी। आप लोगों ने पुल है नहीं देखा? जी, पुल के लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। हम लोगों ने एक साल वोट भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। यहाँ कोई वोट ही मांगने नहीं आता तो यहाँ पर हम लोगों की सुध कौन लेगा? वोट मांगने नहीं आता? लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व होता है, दो दो बार होता है, विधायक चुनते हैं आप, संसद चुनते हैं, अपने कार्यकाल में आए ही नहीं वोट मांगने। यहाँ की जनता से पूछिए यहाँ वोट मांगने। कौन विधायक है आपका? रामफेरन पांडे जी। सांसद तो आए होंगे ना? फिर सांसद दद्दन मिश्रा थे तब आए थे, राम शिरोमणि वर्मा नहीं आए। राम शिरोमणि वर्मा नहीं आए? 5 साल में भी एक बार नहीं आए। दद्दन मिश्रा ने तो कुछ आश्वासन दिया होगा कुछ काम करने का। हाँ, उन्होंने रेलवे लाइन बनाने के लिए लोकसभा में उठाया था और कुछ और काम किए थे। उन्होंने कहा था कि हम इसको बनवाएंगे, लेकिन वो हार गए जी। हार गए, उससे पहले तो 5 साल वो सांसद रहे ही ना? जी हाँ, तो वो हम लोगों से मिलते जुलते थे, आते जाते थे। 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, उस समय वो पुल बनवाना चाहते थे। रेलवे लाइन के लिए हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पास करवाया है, बस उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये पुल ना बने होने के कारण आप लोगों को कितनी समस्या होती है? हम लोग यहाँ से 25 किलोमीटर घूम करके कौना जाते हैं बरसात में जी। 25 किलोमीटर बमरी? हाँ, बमरी घाट से होकर। अच्छा, यहाँ से आपका बलरामपुर नजदीक पड़ेगा या कौना नजदीक पड़ेगा? नहीं, कौना और बलरामपुर दोनों बराबर है। 29 किलोमीटर यहाँ से बलरामपुर है, कौना 22 किलोमीटर है। तो हम लोग घूम करके भमरी घाट से होकर के जाते हैं। भमरी घाट यहाँ से 12 किलोमीटर हुआ जी, 12-10 आगे। आप लोग ही बता रहे थे? जी हाँ, 22 किलोमीटर है कौना जी। आप लोग श्रावस्ती जिले के निवासी हैं, श्रावस्ती जिला पिछड़ा जिला माना जाता है। यहाँ पे विकास की जो संभावनाएं थी उन पर काम नहीं हो सका, या जो समस्याएं थी लोगों की उन पर काम नहीं हो सका।
क्या राजनीतिक विफलता मानते हैं या इसे अधिकारियों की विफलता? हम लोगों को लोग प्रलोभन देकर के वोट ले लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। जैसे लोगों को गल्ला मिलता है उसका उसकी बात बताते हैं, किसी को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलता है उसकी बात बताते हैं, किसी को सम्मान निधि की बात बताते हैं। इन सारे योजनाओं को बता करके केवल हम लोगों को प्रलोभन देकर के वोट लेते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। काम कुछ नहीं करते जी। आप लोगों को इतनी समस्या होती है, कभी कोई लिखत पढ़त नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, जिला अधिकारी को तो शिकायत की गई है, जिला अधिकारी ने कई बार यहाँ भेजा भी, अभी 2 हफ्ते पहले भी आए थे अधिकारी, लेकिन वो कहते हैं कि जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। लिखा पढ़ी तो हम लोग किए हैं तहसील दिवस में जी, तहसील दिवस में लिखा पढ़त करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं जी। हाँ, कोई नहीं सुनता है जी। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अनवर अली है। अनवर भाई बताइए, कै साल से ये पुल क्रॉस कर रहे हैं इसे? अरे तो मेरा जब से यहाँ पे जन्म हुआ जब से मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ। साल के होंगे आप? इसमें तो 30-32 के हैं। नेताओं का वादा याद आता है आपको? ये सब वादा कुछ नहीं होता, जो करते हैं वो दिखाते नहीं कुछ भी, तब क्या वादा है? कहते हैं वो दिखाते नहीं है, जमीन ना, पे है ना? हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे ये पुल आप लोग क्रॉस करते हैं, आप तो बाइक से भी आए, मैंने देखा आपको। बाइक से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, डल्लब भी लेके आते हैं इसी पे है। लेकिन जान की तो धुकधुकी लगी रहती है। वो तो खैर वो तो बीच में गिर गया था, फिर तो क्या करें, हम लोग की मजबूरी है जो हम लोग। बैल बच पाया? बच गया था। लेकिन जान का खतरा रहता? जान का खतरा इतना नहीं है, बहुत रहता है, लेकिन मजबूरी हम लोगों की आना पड़ता है इस बार। अगर जैसे ये पुल आप लोग ना क्रॉस करें, ये पुल ना बनाए आप लोग, तो कौन कैसे आप लोग जाएंगे आएंगे? अब तो जैसे आ रहे तैसे आएंगे फिर भी। नदी क्रॉस करके, नदी तो बीच में गहरी है। हाँ तो गहरी तो है, लेकिन आना पड़ेगा हम लोग को इस बार। इस बार खेती बाड़ी है हम लोगों का, इस वजह से आना पड़ता है। अच्छा, मैंने सुना राप्ती ने जो है दादा बहुत दूरी तक जो है लोगों का खेत भी काट दिया। आप पुराने आदमी है, क्या कहेंगे इस पे आप? सर जी, हमारा करीब 30 वर्ष हो गया गन्ना का खेत कट गया, तब से आज तक नदी से निकला ही नहीं। 30 वर्ष हो गया खुद का? जी जी। कितने बीघे खेत कटा होगा? 20 बीघे का एक यही नंबर कटा हुआ है, यही नदी बह रही सीधे। अच्छा, नदी आप ही के खेत में? जी, एक नया पैसा ना हमको मिला, न कुछ हुआ, फसल पूरी नष्ट हो गई कुछ नहीं। तो आप लोग बालू वगैरह बेचना चाहें तो वो भी बेच सकते हैं? नहीं। हाँ। बालू हम बेचेंगे तो पुलिस वाले हम लोगों को नहीं, मतलब लीगल तौर पे आप बेचना चाहें तो आपके नहीं खेत बेच सकते हैं। आपका घाटा संख्या है ना? नहीं। हाँ। बेच सकते हैं। हाँ। उसके लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके जी चाहे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी भी प्रक्रिया बहुत बहुत जटिल है, बहुत लंबी है। और यदि हम लोग चाहें तो पुलिस से मिल करके बेच सकते हैं, तो पुलिस को पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस आपके ही खेत का बालू बेचने के लिए आपसे? हाँ, आपको ही पैसा देना? हाँ, वो लेंगे, खनन अधिकारी। सारा कार्रवाई करें तब भी कुछ भी करें, खनन अधिकारी ये सब पैसा लेते हैं तभी काम करने देते हैं, वैसे कोई नहीं करने। आप लोगों के खाने के भी लाले हो गए होंगे, अब तो परेशानी होती होगी खाने की? वो हम क्या बताएं, वो प्रहार में अगर 20 बीघे जमीन न होती तो भूखों मर जाते। अच्छा जी, मतलब 40 बीघे जमीन थी, 20 आपकी चली गई, उसमें कुछ कुछ नहीं है, राप्ती जी ने ले लिया। हाँ, लगान हर साल प्रतिवर्ष देते हैं, लेकिन कुछ मिलता इस जमीन का भी लगान देते हैं? जी जी, लगान देते हैं प्रतिवर्ष। क्या रुपया लगान देते हैं? अब जितना पड़ता हो कुल मिला करके पड़ता होगा 300-300 रुपए। अच्छा, लगान देते हैं, लेकिन जो है जमीन आप जोत बो नहीं सकते? नहीं, पानी जब पानी है तो क्या बोए। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम दद्दू। लड्डू भैया, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे यहाँ सर ये पुल का समस्या है, हम लोग पैदल हमेशा पुल से उतरते हैं, नदी से उतरते हैं, मतलब नदी में उतरते हैं और नाव पे भी उतरते हैं। हमारे यहाँ बाढ़ आई, एक को रोड भी नहीं बने, यही समस्या है। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 7 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जी, कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया, पूरी पूरे भारत का उलट पलट देख सकते हैं, पूरी सड़क देख सकते हैं। अरे कह रहा है कि हमने गांव गली कूचे की सड़क बनवा दी है भाई। एक ही सड़क नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही नहीं बनी है। हाँ, पूरी रोड चले जाओ पूरे तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं इसका मतलब? नहीं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बना नहीं तो हम क्या मानते हैं? हाईवे बन रहा है खाली। तो आपके यहाँ कौन सा हाईवे बन गया? हमारे यहाँ कोनो हाईवे नहीं बना है, जितनी तो सड़क का मतलब आपके लिए तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, सब सारे जगह करते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। हाँ। जैसे कह रहे हैं कि हमने विकास की बिल्कुल गंगा बहा दी, एक भी कच्चा घर नहीं बचा है पूरी दुनिया, पूरे भारत कटे, जितने रोड कटे उस पर एक को दाना माटी नहीं पड़ा है।
प्रधानमंत्री ये की रोड जस है तो ऐसे पड़ा है सब। ये पुल्हा आप लोगों का काहे नहीं बनवाया, 75 साल हो गया, 10 साल से तो यही प्रधानमंत्री हैं। तो पुल तो नहीं बना, हाँ कह रहे हैं कि बन जाएंगे, मतलब तो बनता नहीं है। जो कौन नेता आता है कहता है नहीं बनता है, अब कोई नहीं आवत है, यहाँ तो वोटो मांगे नहीं आवत है। अरे तो आप लोगों को अनाज छोड़ दिया नेताओं ने, बनाते ही है अनाथ हैं आप लोग, टैक्स देते होंगे, राजस्व ग्राम होगा ये सब, राजस्व ग्राम होता है, आप लोग पैसा देते होंगे सरकार को जी, जी। तो सरकार आपको कुछ वापस नहीं करती है? ना ना क्या वापस करती है, यही गल्ला मिल रहा है, किसान निधि मिल रहा है, यह सब मिल रहा है गवर्नमेंट, वो तो एक वेलफेयर स्कीम है जिससे जो है वोटों को खींचा जा सकता है, मेरा मानना तो ये है, साफ मैं कह रहा हूँ है ना, जिससे वोट को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं तो मानते हैं, है ना, वोट को खींचने के लिए स्कीम है। आप ये बताइए जो वेलफेयर जिससे करोड़ों हजारों की जनता को फायदा हो रहा है उससे कोई आप लोगों को, हाँ ये पुल है, ऐसी कोई योजना मिली जो जिससे जो है आप लोगों को हजारों लाखों की जनता को आपके फायदा हुआ? ये जो पुल बन गया बस उसी वही फायदा है, बाकी कोई फायदा नहीं, बाकी कोई फायदा नहीं है। मतलब भाजपा सरकार ने भी आपकी कोई सुध नहीं ली? ना सुध लिया होती तो रोड बन जाते, कहां सुध लिया, एक रोड आप तो इधर से आए उधर से देखते पूरा रोड सब वैसे कैसे पड़ा है। नहीं मैं तो उधर से ही आया हूँ, मेरी गाड़ी वही खड़ी है। मुझे एक मरम्मत हुआ है? नहीं मरम्मत हुआ है, मुझे तो फोर लेन दिखाई दिया आप। अरे नहीं, कहाँ फोर लेन है ही नहीं, तब क्या दिखाई देगी। अरे तो या तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ना ना क्यों झूठ बोलेंगे, हम नहीं जो नहीं झूठ बोल रहे वो भी नहीं झूठ बोल रहे। ना ना रोड कटी है वो मैं बता दिया कि रोड का मरम्मत हुई नहीं है। अच्छा आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? कयामुद्दीन। कयामुद्दीन भाई क्या मामला है, आपके यहाँ सड़क वड़क बहुत बढ़िया बन गई है? सुना नहीं बनी है। हाँ। 10 साल से विधायक चुन रहे हैं भाजपा वालों को आप? अब जो बन जाता है तो उसी में खुश रहते हैं कि कोई है भाई। हाँ। और क्या। हाँ। अब वहाँ रोड कट रही थी उसमें भी नहीं हुआ कि पथरा डलवा दे, एक रास्ता है रोड, आपके कहने का मतलब है रोड नदी ने काट दिया और पत्थर तक नहीं पड़ा, पत्थर तक नहीं पड़ा, अब एक रोड वो बचा है। उसके बाद में वो भी रोड कर ले तो कोई रास्ता नहीं है गांव से जाने के लिए। आप लोग फिर किसके सहारे रहेंगे? ऊपर वाले के सहारे रहेंगे और भगवान सहारे। क्या करें, कहीं कोई जाने देगा तो जाएंगे भाई। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने बिल्कुल विकास की गंगा बहा दी, यमुना बहा दी, सरस्वती बहा दी। बहा दिया हो जहाँ बहा दिया भाई, अब हमारे यहाँ नहीं पहुँचा तो हम नहीं पाए, कहीं हुआ होगा जहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के विधायक हैं, सांसद हैं, वो कभी आए आपके द्वार पे? नहीं। आपकी समस्याएं सुनने के लिए कभी आए? नहीं आए। तो कहते हैं कि सांसदों को प्रवास करो, विधायकों को प्रवास करो गांव दर गांव। हम आए नहीं, हम तो भाई नहीं जा सुनने की आए हैं। नहीं सुने क्या, आपने तो देखा होगा आपके गाँव में आएंगे तो देखेंगे। नहीं विधायक कोई छोटा आदमी थोड़ी ना है, कोई कारपोरेटर थोड़ी ना है की जो है वो आएगा तो पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं हमने नहीं सुना है। नहीं आए, आपकी समस्याएं सुनने के लिए भी नहीं आए? अब कोई समस्या हो क्या हो क्या नहीं है गांव में नहीं आए तो मैं जानता हूँ। ये सड़क आप लोगों ने कितनी बार लिख के दी होगी, ये सड़क और ये पुल? आप पत्रकार लोग ने आए पूछ के चले गए बस, ये जानता हूँ। पत्रकार लोग आए पूछ के चले गए, चलो पत्रकारों ने तो अपना काम किया, मैं पूछ रहा हूँ नेताओं ने अधिकारियों ने अपना काम किया जो लाखों का वेतन लेते हैं, मोटा मोटा पैसा लेते हैं? अब यहाँ तो कुछ नहीं हुआ तो हम नहीं जानते, आगे जहाँ हुआ होगा जहाँ हुआ होगा वहाँ हुआ होगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम संतोष मिश्रा है। मिश्रा जी आप बहुत डैशिंग आदमी लगते हैं, आप बताइए कि ये सड़क वड़क सब फोर लेन हो गया आपके यहाँ कैसे हो गया? देखिए ऐसा है कि आपको यहाँ का जहाँ आप खड़े हैं यहाँ की थोड़ी पीछे हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये वो जिला है जहाँ पे जो आज की रूलिंग पार्टी है उससे लेके सपा बसपा कांग्रेस चारों पार्टियों को यहाँ की जनता ने सांसद दिया है अपनी आवाज पार्लियामेंट तक पहुँचाने के लिए, बट यहाँ पे केवल छलावा हुआ है। ये पुल आप जो देख रहे हो इसके इस पार करीब 5 लाख वोटर रहते हैं। मैं उन प्रतिनिधियों से, उन जनप्रतिनिधियों से, प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और सभी प्रतिनिधियों से जानना चाहता हूँ क्या ये आपके भारत के हिस्सा हैं अथवा नहीं है? ये वोटर हैं, इनके वोट से देश मजबूत होता है नहीं होता है? ये वोट करें तो क्यों करें, किस लिए करें? आपको बताएं कौन कौन से विधानसभा सीटें पड़ती हैं इस बार? इस बार भिंगा विधानसभा और इकोना विधानसभा, दो विधानसभा पड़ता है और दोनों विधानसभा अगर ये पुल बन जाए तो हमारे बलरामपुर का एक लिंक मार्ग हो जाए।
इसकी वजह से ना किसान अपना फसल पहुंचा पाता है मंडी तक, ना हमारे बच्चे स्कूल तक पहुंच पाते हैं। इसके इधर आप 10 किलोमीटर के रेंज में आपको इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा कि एक इंटर कॉलेज मिले, ठीक है, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। इस नदी की वजह से, पुल ना होने की वजह से बहुत सारे डेथ हो जाते हैं। कोई डेथ हुआ हो आपको याद हो भाई साहब? मुझे बिल्कुल याद है, 95 में, लेटेस्ट बताइए तो 95 तो अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक गर्भवती महिला की डेथ हो गई। वजह क्या था? ये पुल नहीं था, नाव लग रही थी, डिलीवरी का केस था, उसको इकोना सेस ही जाना था, उसकी मौत नहीं होती अगर वो टाइमली पहुंच जाती। दूसरी एक बात कि जब हम कहते हैं कि नया भारत, नया भारत ये कौन से भारत का हिस्सा है जहां पे एक पुल के लिए इतने सालों से संघर्ष चल रहा है। इकोना में तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के विधायक है शायद? नहीं, भाजपा के विधायक हैं पिछले दो बार से। और भिनगा में? भिनगा में अभी सपा की विधायक विधायिका जी हैं इंद्राणी वर्मा, विधायक इंद्राणी वर्मा जी। यहाँ से रामफेरन पांडे जी विधायक। जैसे मान लिया चलिए भाजपा वाले सत्ता के दबाव में कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ पाते होंगे या कुछ नहीं कर पाते होंगे, तो जो है क्या इंद्राणी वर्मा भी कभी सदन में आप लोगों का सवाल नहीं? देखिए इंद्राणी वर्मा अभी की बात नहीं है, जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, सपा की गवर्नमेंट, तब भी वो विधायक थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो ये बोल के निकल आती है कि हमारी गवर्नमेंट ना प्रदेश में है ना केंद्र में, हम क्या कर सकते हैं। जिसकी गवर्नमेंट है 10 साल से केंद्र में, जिसकी गवर्नमेंट है 8 साल से प्रदेश में, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वोट लेके जाते हैं और इसके बाद 5 साल बाद आते नहीं है। वर्तमान जो अभी शिरोमण वर्मा जी हैं सांसद, जनता ने उनको बिना जाति बिना पार्टी के उनको वोट किया, उनको संसद बनाया, लेकिन 5 साल किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए क्षेत्र में अगर वो दिखे हों, बट अभी दिख रहे हैं। जितने भी लोग हैं कोई भी पार्टी का हो कुछ नहीं कर रहा है। राम शिरोमणि वर्मा का मैं एक दिन इंटरव्यू कर रहा था तो उनसे मैंने ये सवाल किया था, ये मथुरा घाट वाला मुझे याद था खासकर, तो मैंने ये सवाल किया था कि आपने इन लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि ये 5-7 लाख लोगों की बात है, एक आदमी की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है लिखत पढ़त की है और तमाम बातें कही है, हो सकता है अगले कार्यकाल में हमें समय मिले और जो है हमारा काम ये काम हो जाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि क्या उन्हें एक और टर्म देना चाहिए या जो है नया सांसद बदलना चाहिए? देखिए बार बार किसी को देखना मेरे हिसाब से उचित नहीं होता है। दूसरी एक बात है कि जिस गांव जिस जगह पे आप खड़े हो 20 लोग ऐसे हैं जिन जो भूमिहीन हो गए हैं, एक बिस्सा उनके पास जमीनें नहीं है, वो रोड पे आ गए हैं नदी की वजह से। हाँ है ना, वजह क्या है? अब दूसरी एक बात है कि अगर यहाँ कोई सांसद विधायक है आता है तो क्या इस क्षेत्र में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता? गवर्नमेंट कर सकती है ये, ऐसा 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, इंडेक्स उठा के देख लीजिए हेल्थ में, शिक्षा में, किसी में, ये आपका आकांक्षी जनपद है, आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं ये तो डेवलपमेंटल जनपद है, आकांक्षी जनपद है, तो इसलिए यहाँ पे वही पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या हुआ, क्या इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं? ये तो मोदी जी ने किया था, विकास तो पहले भी उतना ही हो रहा था, विकास आज भी उतना ही हो रहा है, तो मोदी जी से आप नाराज हैं या विपक्ष वालों से? मैं कह रहा हूँ मेरी नाराजगी जो गवर्नमेंट है उससे है, यानी कि मोदी जी से, मोदी जी से, योगी जी से, बिल्कुल है, क्योंकि उनको ये चीज देखना चाहिए, करना चाहिए। यही बगल में तुलसीपुर है, बलरामपुर है, आदरणीय योगी जी उनका एक घर है, आते हैं हमेशा आते हैं, लेकिन क्या इस क्षेत्र को उन तक बातें नहीं पहुंचती हैं? उन जनप्रतिनिधियों से प्रॉब्लम्स है जो इन समस्याओं को देखते नहीं। मैंने 2-2.5 लाख रुपए का जो मोटा वेतन लेता हो, 2-2.5 लाख रुपए का कौन सा कॉर्पोरेट कंपनी में इंडिया में आदमी वेतन पाता होगा आप बताइए मुझे? नहीं पाता है। विधायक 2-2.5 लाख रुपए लगभग पाता है सारा, उसका जोड़ घटा लिया जाए तो जी। है ना, 1.5 लाख रुपए तो मूल वेतन है लगभग जी। है ना, प्लस यात्रा भत्ता, फलान भत्ता, टेलीफोन भत्ता, आवास भत्ता, तमाम भत्ते ही भत्ते हैं, है ना, फिर वो पेंशन भी पाएंगे, है ना, लगभग 1 लाख रुपए महीने का पेंशन होता है उनको। जो इतना मोटा पैसा लेता हो
तो वो जो है जब आपकी बात नहीं सुन रहा तो मुख्यमंत्री जी को तो पूरे प्रदेश में काम होता होगा, पूरे प्रदेश की जो है योजनाएं उनके सामने होती होंगी, उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन उनके सामने होता होगा, तो वो नहीं बताते हैं, ये कमजोरी आप समझते हैं? कमजोरी हाँ, या जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कोई कि देखिए योगी जी या मोदी जी उन तक हम ये प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव वो है हमारी बातों को पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये जब अगर वहां पे पैरवी नहीं करते, ये एडवोकेसी वहां पे नहीं करते, ये समस्याओं को नहीं रखते, ठीक है। हम कह रहे हैं सिसवारा पुल बन सकता है, ककरा घाट पुल क्यों नहीं बन सकता है? वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के लिए है, वहां भी होना चाहिए, लेकिन ये दो मुख्यालय को जोड़ता है, क्या यहाँ पे नहीं हो सकता? क्या गवर्नमेंट के पास इतनी बजट नहीं है? 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए कौन सा डेवलपमेंट है? मेरे लिए तो यही डेवलपमेंट है, मुझे सड़क भी नहीं चाहिए, मुझे स्कूल भी नहीं चाहिए, आप ये दे दो हम अपने आप ये कर लेंगे, हम अपने आप दूरी कम हो जाएगी तो आप खुद अच्छी शिक्षा बिल्कुल ले लेंगे। और हम ये मान के चलते हैं अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे वोट देने से कोई मतलब नहीं है, हम नागरिक नहीं मानते अपने आप को। आप नागरिक नहीं मानते, हम और लोगों से बात करते हैं। एक मिश्रा जी है मेरे साथ, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने जो है बहुत कुछ आवाज उठाया और जिले में बेहतर करने का काम किया। क्या नाम हुआ आपका और आप किस तरह से इस पूरे कवायद को देखते हैं, यहाँ पे पुल ना बन पाने की कवायद को? हाँ, मेरा नाम अजय है और ये मेरा जन्म स्थान है गलौना खसियारी। ये जो क्षेत्र है एक तरह से जैसे अभी हमारे पूर्व के भाई ने बताया कि रेस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बाद, आकांक्षी जनपद होने के बाद भी जनपद में केवल आंकड़ों के खेल चल रहे हैं, आंकड़ों में ऊंचा जा रहा है नीचे जा रहा है, आंकड़ों की रिपोर्टिंग हो रही है, बाकी सारा विकास ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इस पुल के अभाव में इस क्षेत्र की जो 1.5 लाख 2 लाख जो जनता है वो बरसात के दिनों में पूरे क्षेत्र से कटी रहती है, जनपद मुख्यालय से कटी रहती है, विद्यालयों में गले तक पानी भरा रहता है, गांव का हर आदमी पानी से ही होकर गुजरता है, अपनी छतों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर होता है। एक फसल पूरे क्षेत्र में नहीं होती है, जो बरसात की फसल है वो पूरे क्षेत्र में कभी भी नहीं धान बिल्कुल नहीं पैदा होगा, और धान के अलावा जो भी उस समय की उसकी फसलें हैं खरीफ की वो बिल्कुल नहीं होती है। एक फसल के ऊपर इस क्षेत्र के लोगों का जीवन है। शिक्षा का अभाव क्या है, इकौना तक जाने के लिए रास्ते के लिए बताया अभी हमारे पूर्व के साथियों ने, 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, समरी तरार जाइए, समरी तरार से मनोहरापुर जाइए, फिर उस रोड में मिलकर के इकौना पहुंचे आप। किसी का तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए तो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है। यहाँ पर मिड डे मील के अनाज दूसरे इकौना में बंटता था, नाव पलट गई, 2005 की घटना है, 5 बच्चे मर गए थे डूब के, बच्चे मर गए, बच्चे डूब के मर फिर गए। भी सरकार ने यह मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पे सरकार की बात छोड़ दिए, उस समय चुनाव का मुद्दा था, नामिनेशन हो रहा था, किसी पार्टी का नेता यहाँ पर देखने नहीं आया, किसी भी पार्टी का नेता यहाँ मौके पर देखने नहीं आया, अपना नामिनेशन करते रहे, पर्चा भरते रहे। यह जिला परिषद का चुनाव हो रहा जी नहीं, विधायक का चुनाव हो रहा था 2004-05 में, जो 2005 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय की बात है। उसके बाद बराबर यहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 बच्चे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जॉब करने वाले, सड़क कट गई है, सड़क कटने के बाद आगे नदी है, उनको पता ही नहीं चला, पूरे नदी में चले गए, मौके पर ही आदमी डूब के मर गए। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी बराबर होती हैं। किसका फेलियर मानते हैं आप, गवर्नमेंट का फेलियर है या नेताओं का फेलियर है या जो है इस सिस्टम का? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का फेलियर है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के लिए केवल ये चरने का स्थान है, चरागाह है उनका। 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 7 साल से जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सरकार तो एक व्यक्ति के हाथ में होती है जिसको वो जो है अपने हिसाब से चलाने का काम करता है, जनप्रतिनिधियों से आ रही सूचनाओं के हिसाब से चलाने का काम करता है, सभी का सुन के चलाने का काम करता है। आपको क्या लगा कि ये जो है ये सरकार नहीं सुन रही है या जनप्रतिनिधि ही नहीं कह रहे हैं? जनप्रतिनिधि नहीं कह रहे हैं, सरकार का तो सिस्टम है, सरकार मीन सिस्टम, सरकार तो पब्लिक की है, पीपुल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्न बाय द पीपुल बाय द पीपुल, लेकिन जो सरकार है वह नौकर है और जो नौकर है वो सरकार है। हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, जो नौकर है हमारे नौकर कौन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट अपने को सर्वेंट नहीं मानते, अपने को सरकार मानते हैं। जो सरकार है पब्लिक, हम सरकार हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है कहने के लिए, सारा पावर पब्लिक में निहित है, लेकिन पब्लिक सख्त विहीन है। वह जो हमारा मताधिकार का प्रयोग है, मत हम दे दिए, उसके बाद में हमारे जनप्रतिनिधि जो
10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपना चले गए, 5 साल बाद गायब रहे, 5 साल बाद वो फिर क्षेत्र में आए। मैं इस बात से मुझे याद है कि यहाँ से सांसद जो है राम शिरोमणि वर्मा रहे, इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ददन मिश्रा रहे, क्या उन्होंने भी इन मुद्दों को सदन में या किसी अधिकारी के माध्यम से या किसी सरकार के तंत्र के माध्यम से उठाने का काम नहीं किया? किसी ने नहीं किया, किसी की प्रायोरिटी में ये चीजें नहीं है, विकास उनके प्रायोरिटी में नहीं है। विकास हो जाएगा तो नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका काम तो अपनी दुकान चलाना है। यदि किसी जनप्रतिनिधि का काम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर होता तो इन जनप्रतिनिधियों ने 365 दिन जो होते हैं कितने दिन संसद में उपस्थित रहे, इनका इनका चार्ट इनको जारी करना चाहिए कि मैं इतने दिन संसद में उपस्थित रहा, राम शरण वर्मा को भी, माननीय ददन मिश्रा को भी कि मैं इतने दिन संसद में उपस्थित रहा, इतने इसी तरह से विधायकों को, हाँ इसी तरह विधायकों को भी, इतनी समस्याओं को हमने अपने क्षेत्र की इतनी समस्याओं को अपने पटल पर रखा और उसके लिए संबंधित विभागों से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से, या हमको जो विधानसभा निधि, जो हमको विधायक निधि मिलती है, जो हमको सांसद निधि मिलती है, उसके बारे में कितनी ट्रांसपेरेंसी है उनके पास? आज वो वोट मांगने लिए आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई ट्रांसपेरेंसी है कि हम इसको किस मत में खर्च कर रहे हैं? ये सारी समस्याएं हैं। आपके कहने का मतलब है कि वो लोग काम नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, ना काम कर पाए, ना उनकी प्रायोरिटी रही काम करने की। काम करने की प्रायोरिटी होती तो क्षेत्र में समस्याओं का अंबार नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको समस्याओं का अंबार मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, कहीं कोई सड़क आपको मिली, हम लोग 20 किलोमीटर से आए, कहीं कोई सड़क मिली? नदियों के बीच में हम लोग किस तरह से जान पर खेल कर आए, गाड़ी पलट सकती थी, बिल्कुल पलट सकती थी। अभी हम लोग रात हो रहा है जाने, रात हो रहा है जाना भी है, इस तरह की चीजें, तो इस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर। आप बाबू पढ़ने जाते हैं? हाँ पढ़ने जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, ये इसी सड़क से जाते हैं या कोई और सड़क है? यही सड़क से जाते हैं। समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। क्या साल के हैं? 10 से 15। 10 से 15 के बीच में आपको एग्जैक्ट याद नहीं? आप जाते हैं तो डर लगता है कुछ? बहुत डर लगता है। बरखा में जाते हैं, नाव से जाते हैं, हाँ समय से नहीं पहुंच पाते हैं। जगतजीत पढ़ने जाते हैं? जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना। और क्या, और ये गांव भी कट जाए। कट में आप हैं? 8 में। 8 में है, वहाँ पढ़ने जाते हैं जगतजीत में। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने नेताओं से, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, 15 साल के हैं, 4 साल बाद 3 साल बाद आप वोट डालेंगे, क्या कहना चाहते हैं अपने नेताओं से? कुछ समझ है आपको कहने की? हम आप नेताओं से कहना चाहते हैं कि पुल बंद जाए और हमारे गांव पर ठोकर लग जाए कि गांव नहीं कटे, गांव कट रहा है। गांव कट रहा है, हाँ। प्रधान जी भी नहीं सुन रहे हैं कि गाँव के बारे में कुछ। नहीं, प्रधान के तो स्तर का मामला ही नहीं है वो, तो ठोकर का तो मामला है। ठोकर भी नहीं लगवा सकते वो, तो कार्रवाई तो कर सकते हैं। हाँ, वो लिखत पढ़त केवल कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी नहीं करी हैं। वो भी नहीं करते हैं। हाँ, प्रधान भी नहीं सुनता है आपकी, आपके कहने का मतलब? नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। हाँ, सांसद विधायक को कभी आपने देखा? नाम जानते हैं आपके सांसद कौन है? सांसद, हाँ सांसद का नाम नहीं जानते, विधायक का जानी थे। विधायक कौन है? विधायक फेरन पांडे है, राम फेरन पांडे। हाँ ठीक है, एक बच्चा और है, इससे भी हम समझने की कोशिश। क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। 6 में पढ़ते हैं। ये पुल आप कैसे पार करते हैं? नाव से। अभी तो ये बना हुआ ना लकड़ी का? यस सर। बरखा में टूट गई, बारिश में टूट जाता है? यस सर। फिर कैसे आते जाते हो आप? नाव से। नाव से आते जाते हो, डर लगता है तब? जी। क्या कहना चाहोगे अपने नेताओं से आप? कि पुल बन जाए। पुल बन जाए, हाँ। अभी अगर बच्चों की मनुहार को ही सुन लिया जाए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ में इस देश का भविष्य है, तो आप समझिए कि इस पुल को बनाने में मुझे लगता है कि 100 मीटर का बमुश्किल एक पुल होगा, और इसमें लागत अगर आएगी तो तकरीबन 10 से 15 करोड़ ही आएगी। अगर 100 मीटर का पुल बनाना है, अगर वो 100 मीटर का पुल भी नहीं बना सकते यहाँ के नेता, तो उन्हें धिक्कार है अपनी नेतागिरी पे। अगर आप इन व्यक्तियों के आंखों में झांक कर देखेंगे तो वो अपार दुख नजर आता है, जिनके परिवारों के लोग इस पुल को क्रॉस करते करते खत्म हो गए, या जिन लोगों के खेत कट गए, या जिन लोगों के पास आज खाने को नहीं है। ये सब लोग परेशान हैं, लेकिन नेताओं
नेताओं को इनकी परेशानी नहीं दिखती। मैं किसी अमुक पार्टी की बात नहीं करता, मैं जब सवाल करता हूं तो इसलिए ये सवाल करता हूं कि 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है और 7 साल से योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उन्होंने शासन किया है, वो इस सिस्टम के हिस्सा रहे हैं, उन्होंने इस प्रदेश और इस देश की सरकार चलाई है, तो सवाल पूछना भी उन्हीं से लाजमी है। लेकिन जिस तरह से ये लोग अपने जान को जोखिम में डाल के पुल क्रॉस करते हैं, उस तरह से ये समझने वाली बात होगी। इसी तरह से मथुरा घाट का भी मामला है, मथुरा घाट पर भी लोग इसी तरह से लकड़ी का पुल बनाते हैं और आते जाते हैं। मथुरा घाट में एक गांव पड़ता है, वो आखिरी गांव है जो मथुरा और कटरा के बीच में पड़ता है। मैं इस जिले में और इसके आसपास के जिलों में पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको आज इस चुनावी माहौल में बता रहा हूं, वही तस्वीर हर चुनावी माहौल में होती है, वो चाहे 2019 के चुनावों की बात कर ली जाए या 2017 के चुनावों की बात या 2022 के चुनावों की बात कर ली जाए या जिला परिषद के चुनावों की बात, लेकिन जो स्थिति है वही स्थिति बादस्तूर बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जो आम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम ने उनके साथ खेल किया है, सिस्टम ने उनकी आवाज को पहुंचाने का काम नहीं किया है, उन लोगों को ये नेता किस तरीके से अपना मुंह दिखाने का काम कर पाते होंगे, शायद इसीलिए यहाँ तक नेता भी नहीं पहुंचते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।